हेलो दोस्तों, मैं सौरभ ई मैटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा रीजनिंग पे है और इसमें हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स इन ए गिवन फिगर। दोस्तों, ये फिगर दी हुई है और इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। दोस्तों, पहले हम स्क्वायर बेसिक मेथड से काउंट करेंगे और उसके बाद हम ट्रिक के थ्रू स्क्वायर काउंट करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा पहला स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर है, ये हमारा दूसरा स्क्वायर है, ये हमारा थर्ड स्क्वायर है और ये हमारा फोर्थ स्क्वायर है। और दोस्तों, और ये हमारा फिफ्थ स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे हैं फाइव। अब फ्रेंड्स, यही क्वेश्चंस हम ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें रोज की हमें नंबरिंग करनी है। और फिर जैसे कि ये रोज है, इसके नंबरिंग वन और इसके नंबरिंग टू। फिर हमें जैसे कि हमें स्क्वायर काउंट करने हैं, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, और फाइनली हम इसको ऐड कर देंगे। सो हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव। इस ट्रिक से हम कितने भी बड़े स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं। इसमें ये हमारा पहला केस होगा। ये ट्रिक्स तभी काम आएगी जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों, इस फिगर में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज फोर है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी फोर ही हैं। सो ये हमारा पहला केस है। नंबर ऑफ रोज, ये हमारी पहली रो है, फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर है। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे ये होते हैं, पहला, ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सो फ्रेंड्स, पहले हम बेसिक मेथड से नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं, उसके बाद हम इसमें ट्रिक लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हम क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट वन यूनिट के स्क्वायर्स हम पहले काउंट करेंगे। वन यूनिट्स के कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन। ये हमारे 16 है। अब टू यूनिट के हम काउंट करेंगे। टू यूनिट के हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन। सो हमारे टू यूनिट के कितने हैं, नाइन। ठीक है, ये इसे क्लियर कर देते हैं। सो हमने जैसा कि देखा था, वन यूनिट के थे हमारे 16, टू यूनिट के थे नाइन। अब थ्री यूनिट के कितने हैं, थ्री यूनिट के हमारे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। सो हमारे थ्री यूनिट के कितने हैं, फोर। और फोर यूनिट का, हाँ, जैसा कि हमें फोर यूनिट का दिख रहा है, सबसे बड़ा स्क्वायर ये हमारा है वन, फोर यूनिट का है वन। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हमारे होंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे हो गए 30। दोस्तों, ये हमने बेसिक मेथड से नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट किए थे, अब हम इससे ट्रिक अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, हम एक चीज़ पे और गौर करेंगे, तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा फोर का स्क्वायर है, ये हमारा थ्री का स्क्वायर है, ये हमारा टू का स्क्वायर है और ये हमारा वन का स्क्वायर है। सो अब हम इस पर ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसे हम डिलीट कर देंगे।
सर बाय ट्रिक हम इसमें नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। फिर जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसको स्क्वायर करेंगे 1, 2, 3, 4 और इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 सॉरी इज इक्वल टू 30। ये हमारा 30 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये एक सीरीज का पैटर्न है। ये सीरीज क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो हम इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और फ्रेंड, जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो हम इसे में नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फॉर्मूले से काउंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एन कितना है? एन 4 है। 4 4 प्लस 1 4 डॉट 2 प्लस 1 बाई 6, ये कितना होगा? 4 क्रॉस 5 क्रॉस 9 बाई 6। 3 2 जा 3 3 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 और ये 30। इससे हमारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आया 30 आया, यही हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स, हमेशा हम इस ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसा कि हमें दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये केस 2 है। ये 4 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है। हमेशा नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं। सो इसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं। जैसे कि इसमें हम लास्ट क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, सो इसमें हम मैट्रिक्स रूल अप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स रूल क्या होता है? इसमें हम 4 क्रॉस 6 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 1 डिटेक्ट करेंगे और हम इसे लिख देंगे 3 क्रॉस, इसमें 1 डिटेक्ट करेंगे 5। फिर हम इसमें फिर से 1 डिटेक्शन करेंगे तो 2 क्रॉस 4, और ये हम जब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, 1 क्रॉस 3, और फिर हम इसे ऐड कर देंगे। 6 4 जा 24 5 3 जा 15 4 2 जा 8 एंड 1 3 जा 3। सो जब हम इसे टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आ जाएगा हमारा 50। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा सेकंड केस है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन किसी भी स्क्वायर से पास करती है तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमेशा 5 होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होगी? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। सो कोई ये हमारा स्क्वायर है, जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्रॉस करती है तो हमारे टोटल नंबर स्क्वायर होते हैं 5, 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो हम इस क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सो हेयर वी कैन सी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 5n, वेयर n
n is the number of square through which horizontal and vertical lines are passing. So here n क्या होगा? 1, 2, 3. So here n is equal to 3. So total number of squares कितना हो जाएगा? 5n is equal to 5 into 3 is equal to 15. This is the answer. ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2018 का है. हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. इसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5n फार्मूले का यूज करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है ये. इस वाले स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 5 और इस वाले स्क्वायर में भी 5 हो गए. वही पैटर्न बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पास हो रही है. और इस बड़े वाले फिगर में जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसमें भी कितने होंगे? 5. फिर एक ये वाला स्क्वायर है प्लस वन, बट सो टोटल हो गए हमारे 16. बट ये वाले स्क्वायर दो बार काउंट हुआ है, ये वाला और एक ये वाला. सो इसे हम दो बार काउंट हुआ, इसलिए -2. So answer is 14. Friends, अब तक हमने counting of squares पढ़ लिए हैं, अब हम counting of rectangles in the given figure को पढ़ेंगे. पहले हम basic method से rectangle count करेंगे, उसके बाद हम tricks सीखेंगे. Basic method से करते हैं. इसमें 1 unit के rectangles कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. तो 1 unit के कितने हैं? 4. 2 unit के कितने हैं? 2 unit के rectangles जो हैं वो हमारा 1, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है. ठीक है, 2 units के हमारे हो जाएंगे 3. और 3 units के जो हम देखेंगे, एक मिनट इसे क्लियर कर लेते हैं. सो 1 के हमारे 4 थे, 2 यूनिट्स के हमारे 3 थे और 3 यूनिट्स के हम देखते हैं कितने हैं. 3 यूनिट्स के पहला रेक्टेंगल और ये दूसरा रेक्टेंगल. तो 3 यूनिट्स के हमारे सिर्फ 2 ही रेक्टेंगल हैं. और 4 यूनिट्स का कितना है? 4 यूनिट्स का एक ही रेक्टेंगल है जो कि सबसे बड़ा वाला है, ये वाला. सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 10. ये हमने बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ट्रिक इसमें ये है कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4. और फिर हम क्या करेंगे, हम इन्हें यहाँ पे सबको जोड़ देंगे. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे. कॉलम्स की सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4. अब हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके सी आ जाएगा, हमारे कॉलम आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? 10. अब हम ऐसे ही रो की नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3 और इन्हें ऐड कर देंगे. सो हमारा रो कितना आ जाएगा? 6. तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा हमारा सी इंटू आर, मीन्स 10 × 6 इज इक्वल टू 60. 60 इज द आंसर. क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर हम इसको ऐड कर देंगे.
ऐड करके कितना है हमारा 15। ऐसे ही हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इसको भी ऐड कर देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे हमारे 15 + 50 - 1। ये -1 क्यों आया? -1 इसलिए आया क्योंकि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट हैं, ये जो हमारे जॉइंट है टोटल नंबर ऑफ जॉइंट, ये 1 है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे वो हम इनके सम में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 29। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इस क्वेश्चन में अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो एक साथ अप्लाई करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो हमने स्क्वायर्स पहले कैसे काउंट किए थे, हमने ये मैट्रिक्स की नंबरिंग करेंगे, ये 3×6 का मैट्रिक्स है। फिर हम इसमें से 1 डिडक्ट करेंगे, 2×5 और 1×4। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, इन्हें जोड़ेंगे 18+10+4=32। ये हमारा पहला आंसर है। अब दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए हम कॉलम की नंबरिंग करेंगे, 1+2+3+4+5+6। कॉलम हमारा हो जाएगा 21। और फिर हम रोज की नंबरिंग करेंगे, 1+2+3, ये हो जाएगा हमारा 6। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा, 21×6=126। तीसरा, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। इसमें हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से नंबर ऑफ स्क्वायर्स माइनस कर देंगे। तो आंसर होगा हमारा 126 - 32। ये हमारा जाएगा 94। दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपसे विदा लेना चाहूँगा। और जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपके नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।